मेरी मदद। बीजी और माँ सो रही दूसरी तरफ, मैं था कोलाइड हुआ, सब खत्म हुआ। एक के ऊपर एक लोग गिरे हुए थे और पूरे ट्रेन में हाहाकार मचा हुआ था। डब्बा पूरा हमारा पूरा का पूरा बोगी पलट गया। इंदौर राजेंद्र नगर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। कानपुर प्रशासन के मुताबिक अब तक 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल अब भी गंभीर हालत में हैं। उधर हादसे वाली ट्रेन में सवार पीड़ित लोगों को लेकर दूसरी ट्रेन सुबह पटना पहुंची और लोगों ने इस दौरान जो मंजर बयां किया वो दिल दहलाने वाला था। सवा सौ से भी ज्यादा लोगों के लिए मौत का सफर साबित हुआ राजेंद्र नगर इंदौर एक्सप्रेस की सवारी करना। सैकड़ों अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ खुशनसीब ऐसे भी हैं जिन तक मौत के पंजे नहीं पहुंच पाए। और एकाएकी मतलब इतना जोर से ट्रेन बजा के बच्चे को लेके गिरने से बची। के ऊपर एक लोग गिरे हुए थे और पूरे ट्रेन में हाहाकार मचा हुआ था। वैसे ही कुछ लोग अपने सफर की आखिरी मंजिल यानी पटना तक पहुंचे भी, लेकिन इनकी आंखों में मौत को करीब से देखने का वो खौफ अभी भी ताजा है। जान तो बच गई, लेकिन ट्रेन हादसे के उस खौफनाक मंजर से जिंदगी भर नाता नहीं टूटने वाला। स्थानीय प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक पुखराया रेल हादसे में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि अस्पताल में कई घायल अभी भी बेहद गंभीर हालत में हैं। राहत का काम तब तक जारी रहेगा जब तक सुनिश्चित न हो कि सभी यात्री मृत या जिंदा निकाल न लिए गए हों। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे का जायजा लिया है। कीमती जिंदगी के जाने का गम इन्हें भी है और वादा किया है कि जांच में दोषी पाए गए लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो बहुत बड़ा हादसा कानपुर के नजदीक हुआ है, उसके बारे में उच्च स्तरीय जांच करने का निर्देश मैंने फौरन दे दिया है। वो जांच चल रही है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो करने की आवश्यकता हम जरूर करेंगे। बेशक प्रभु ने गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन जिनके अपने दूसरी दुनिया में जा चुके हैं उन्हें इस दिलासे से भला क्या मिलेगा। आखिर कब तक भारतीय रेल में सफर करते वक्त दिलों की धड़कन तेज बनी रहेगी कि पता नहीं मंजिल तक सही सलामत पहुंचेंगे या नहीं। आज तक ब्यूरो,